सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम चल रहे हैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के भीम तहसील के अंदर। मेरा एक फ्रेंड है नारायण सिंह जी, उन्हीं के वहाँ चलेंगे। वहाँ पे मुर्गी पालन जो करते हैं वो काफ़ी अच्छा करते हैं, बड़ा सा फार्म बना रखा है मुर्गी पालन का, वो पूरा हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो और फ्रेंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो किस प्रकार से पूरा वहाँ पे मुर्गी पालन करते हैं वो दिखाएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये जो रोड जा रहा है भीम से बदनोर की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ से ही बीच में वो गांव पड़ता है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग गांव भी है, मतलब छोटा गांव है बट काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअल में पहली बार भी जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा नज़ारा आई थिंक वहाँ पे देखने को मिलेगा। और काफ़ी यहाँ पे दूर दूर तक ऐसे मतलब मकान जो बने हुए हैं वो दूर दूर बने हुए हैं, ऐसे एक साथ भी बने हुए नहीं हैं, और एकदम मैदानी इलाका। ये पूरा काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पे अगर आप भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे सादड़े गांव है ये, जहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड जो नारायण जी हैं वो यहीं रहते हैं। ये पीछे जो देख रहे हो इन्हीं का मकान है, और ये आ गए हैं साथ में मेरे। हम चलते हैं अब जहाँ पे मुर्गी पालन हो रहा है वो देखते हैं, पूरा फार्म हाउस इनका। तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, करीब आधा किलोमीटर के दूर है, तो चलते हैं फिर यहाँ से। यहाँ पे पहुँच गए हैं मुर्गी पालन, जहाँ पे ये करते हैं नारायण जी। तो ये पीछे जो देख रहे हो यही वाला है मुर्गी पालन, यहाँ पे होता है, इनका फार्म बना हुआ है बड़ा सा। चलते हैं अंदर की तरफ। ये है फ्रेंड्स इनका बाहर से कमरे भी बने हुए हैं। यहीं रहते हो? अच्छा आप यहीं रहते हो। पे जो फार्म पे जो देखभाल करते हैं मुर्गियों का, पूरा फार्म बताएंगे अभी। ये फ्रेंड्स पीछे देख रहे हो आप, ये सारी है मुर्गियां। यहाँ पे मुर्गियां छोटे छोटे बच्चे और सारे बड़े हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे मुर्गियां हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो ये ध्यान रखते हैं मुर्गियों का, ध्यान रखते हैं और यहाँ पे देखभाल इनके खाने का और सारा कुछ रखते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शंकर सिंह। शंकर सिंह जी नाम है। तो ये मुर्गी पालन जो कर रहे हो कितने टाइम से कर रहे हो आप? ये 2 साल के आसपास हो गए। अच्छा 2 साल से कर रहे हैं। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? ये इनका दाना पानी का, इनका ध्यान रखना है, मैनेजमेंट खाने का। अच्छा मतलब मैनेजमेंट। ये मुर्गियाँ मतलब बाहर से लाते हो या यहीं पे कैसे? क्या ये कंपनी की है?
कंपनी कॉन्टैक्ट। अच्छा, कंपनी से कॉन्टैक्ट ले रखा है इन्होंने, तो यहाँ से मुर्गियाँ बड़ी होती फिर वो ले जाते हैं वापस। हाँ, सेल शुरू नहीं कर। अच्छा, सिर्फ आपको तो खाली यहाँ पे पालन करना है इनका है। हाँ। इनका ख्याल ध्यान रखना, मतलब खाने पीने का। और खाने पीने का सामान अपने घर से लाते हो? खाना पीने का सब कंपनी का ही। अच्छा, उन्हीं का रहता है खाने पीने का भी। तो आप 24 घंटे यही सोना रहना खाना? ये फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं, जो ये बता रहे थे कि सारा कुछ यहाँ पे खाने का, इनके पीने के लिए पानी वगैरह, ये सारा जो बीच बीच में आपको लाल कलर के दिख रहे होंगे इस बॉक्स में, पानी और खाने का सब जो इन्होंने नीचे डाल रखा है, ये सारा कुछ यहाँ पे करते हैं ये। और बेचते भी वापस जो जहाँ से ये लेके आते हैं, कंपनी के थ्रू इनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो कंपनी वाले यहाँ पे ये मुर्गियाँ ला के छोड़ते हैं बच्चों को, फिर वापस बड़ी होने पर वापस ये लेके जाते हैं। करीब 2 साल से ये मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, क्यों भैया इनके पंख वगैरह नहीं है? पंख जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे पंख आते जाएंगे। अच्छा, ये अभी मतलब अभी छोटे हैं। छोटे हैं ना। कितने टाइम में तैयार हो जाते हैं मुर्गे? ये 35 से 36 दिन के बीच। अच्छा, मतलब एक महीना मान लो, एक महीने में मुर्गी तैयार हो जाती है। ये छोटे बच्चों के रखे हैं, ये झूले टाइप, ये स्टैंड है इनके। अच्छा, ये इनके खड़े रखने के लिए। हाँ। अच्छा, ये वाइट और रेड, ये रेड में तो पानी आता होगा यार? वाइट में पानी का सिस्टम है और रेड में दाना का, छोटे बच्चों के लिए, बड़े हो गए तो ये वाले बच्चों के लिए। अच्छा, पंखे भी लगा रखे हैं? गर्मी लगती है क्या मुर्गियों? अच्छा, मतलब वो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर बराबर रखने के हिसाब से है ना। ये इधर भी फॉर्म बन रहा है बस मुर्गी पालन के लिए, ट्रैक्टर से काम चल रहा है, ऐसे बिल्डिंग बनाई जाएगी यहाँ पे भी। तो ये भी आप ही का है इधर वाला भी। चलते हैं फ्रेंड नीचे की तरफ जाके देखते हैं, जो नया फार्म हाउस जो बन रहा है इनका मुर्गी पालन का, वो पूरा नीचे जाके देखते हैं किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ की जो लोकल जो मुर्गियाँ हैं वो भी यहाँ पे है, कुछ ज़्यादा नहीं है बट है जो कुछ है यहाँ पे। ये जो देख रहे हो आप मुर्गियाँ, ये सारी देसी मुर्गियाँ हैं यहीं की लोकल। जो नया ये फार्म हाउस बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह काम चल रहे हैं, और ये जो काम करने वाले भी हैं यहाँ पे, इनको भी पूछ लेते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये पे आप काम करते हो? जी हाँ, काम। क्या काम है, ये क्या बन रहा है? मतलब ये पोल्ट्री फार्म बन रहा है। पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन के लिए? मुर्गी पालन के। अच्छा, एक तो उधर बना हुआ है और ये दूसरा बन रहा है। हाँ, वो तो हमने देखा था अभी, मुर्गियाँ थी उसमें। तो इसमें और भी ये जालियाँ वगैरह लगे, उस टाइप में बनेगा? ये जालियाँ लगेगी, कंडीशन के लिए जालियाँ लगेगी, वैसे जालियाँ ये खड़ी होंगे और ऊपर चदरे लगेंगे, अंदर बच्चे डालने के बाद में पानी वानी पिलाने का सब ऑटोमेटिक सिस्टम मिलेगा। तो पानी का पाइप, पाइपलाइन भी अंदर ही नीचे? पाइपलाइन सब ऑटोमेटिक सिस्टम बनेगा। और कितने भाई की जगह बताऊं आप? क्या भाई साइज क्या है इसकी? 32 x 160 लंबाई है और 32 फीट चौड़ा, और ये फिक्स है होती है ना? करीबन 3,500 मुर्गियाँ आ जाएगी। अच्छा, देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो लंबाई में तो है 160 और 32 फीट चौड़ा, एक होल की तरह पूरा, जैसे वो देखा था हमने पीछे जो बना हुआ था, मुर्गियाँ जहाँ बन रही अभी पाल रहे हैं वो, उसी टाइप का इधर भी बन रहा है ये। ठीक है सर, धन्यवाद। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा मुर्गी पालन जो हो रहा था वो पूरा हमने देखा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़े फॉर्म बना हुआ था, और नया भी बन रहा है वहाँ पे जो मुर्गी पालन के लिए फॉर्म बनाया जा रहा है बड़ा सा। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुर्गी पालन? और ये एक अच्छा बिजनेस भी है, जो कंपनी वाले मुर्गियाँ खुद देते हैं
उनका खाली पालन पोषण करना, और खाने के लिए भी कंपनियां देती है जैसा वो बता रहे थे, और अच्छा सा देखभाल करके फिर वापस सेल के लिए भी जब बेचना होता है तब भी वो कंपनी वाले ही यहाँ से ले जाते हैं और वो अपने हिसाब से बेच लेते हैं। बीच में जो लाल पालन पोषण करना है वो इनका रहता है, जो ये मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उन्हीं का इनको पैसा मिलता है। काफ़ी अच्छी इनकम भी होती है, एज अ बिजनेस तौर पे देखें तो भी काफ़ी अच्छी इनकम होती है। और सेल्फ अगर करना चाहें कि खुद ही सेल करें और खुद ही मुर्गियाँ लाएँ तो वो भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से अच्छा है ये। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टूरिस्ट प्लेस पर, नई अच्छी जगह के साथ दोबारा से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।